नज़ारे, श्रीनगर की डल लेक, डिस्किट हंडर, वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक। तो जी ये हंडर में अपना नेक्स्ट डे है, अगला दिन है। फुल एनर्जी के साथ अभी अजय विकास अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी बस तैयारी में है निकलने के लिए। तो जी राम राम सबने, और ठीक हो सारे? उम्मीद है सारे ठीक के होंगे, बढ़िया होंगे, क्योंकि ठीक है रहना। ये देखिए इस पेड़ पे सेब लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं, थोड़े कच्चे। कहाँ गया, अगर आप देख पा रहे ग्रीन कलर के, कश्मीरी के सेब तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, कश्मीरी के सेब कश्मीरी सेब तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे। ये हंडर के सेब खा तो सकते हैं, बट बहुत कच्चे हैं यार, कच्चे नहीं खाते हम, पाप चढ़ेगा। बचपन में मम्मी कहते थे ना, फूल नहीं तोड़ना चाहिए, कच्चे फल नहीं तोड़ने चाहिए, पाप चढ़ता है, पाप नहीं चढ़ाई। इट्स 10:30 नाउ और चले हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, और यहाँ से आगे पेंगोंग का रास्ता अराउंड 3:30 आवर्स का है। अभी 3-3.5 घंटे और लग जाएंगे, अभी आप रुके क्योंकि यहाँ पे पीछे चेक पोस्ट है, जो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि परमिट ज़रूरी होता है दिखाना, तो पेंगोंग लेक का जो परमिट था वो यहाँ पे बस अभी दिखा के और रुके हैं कॉफ़ी ब्रेक के लिए। यहाँ पे एक कैफ़े टाइप कुछ दिख तो रहा है, अगर यहाँ पे कॉफ़ी मिला तो कॉफ़ी लेते हैं, अदरवाइज फिर सिर्फ परमिट चेक करा कर अपना निकलते हैं। तो भैया जी क्या कुछ है यहाँ पे खाने पीने का? कुछ है खाने पीने के लिए? चाय है, कॉफ़ी नहीं होगा? हो जाएगा। और साथ में खाने के लिए बस? मतलब पीछे भी लैंडस्लाइड हो चुकी थी, तो रुकते रुकते चलते चलते पहुंच रहे हैं। अब आई थिंक आगे भी कहीं लैंडस्लाइड हो रखा है, फिर से जैम हो गया है सब आगे तक। और काफ़ी अच्छा व्यू है पीछे, देखिए लम्बे जूम इन, तो व्यू काफ़ी अच्छा है। सब लोग अपना उतर के थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, कि रादर देन बैठ के इस चीज़ का इंतज़ार करें कि कब खुला कब खुला, कुछ पिक्चर्स करा रहे हैं, देखिए कुछ अपना वीडियोज़ कुछ वैसे एंजॉय कर रहे हैं, बस होप्स हो कि ज़्यादा लेट ना हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा पीछे डाइवर्जन आता है, एक इधर को जाता है, एक सीधा हम आए हैं, तो जो वो वाला रास्ता है वो चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है। भला है भगवान करुण मनसा का कि ये चाइनीज थोड़े लैन पा रहे हैं ना, आज इन चिंगी पिंगिया ने देखो मन ने तो राह पकड़ लिया था, माँ जिन ने न संभाला पहले मुश्किल है यार, मैं डांटने के रहने दो सब कोई दिक्कत ना है, मामला कंट्रोल में आ पा रहे हो, पेंगोंग घूम का क्यों भड़क ले रहे, मान ले चलो ठीक है मान ले हैं, मानस हो कर रही हो। इतना बढ़िया वाला भयंकर प्लस सफर तय करके अपन पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक। मतलब गेस करिए यहाँ पे कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी, आगे बताऊंगी, बट उससे पहले कमेंट करना यहीं वीडियो पॉज करके, देन आगे देखना है।
वेल यहाँ पे अपने आमिर खान साहब जी की 3 Idiots मूवी की शूटिंग हुई थी, कुछ शॉट्स उनके यहाँ पे हैं, आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को मालूम है। एंड फाइनली आई एम हेयर, और अपने की खुशी जो है बॉस क्या बोलूँ मैं। और पीछे इतने क्यूट से लाइक देखिए, माई गॉड दिस इज सो प्रिटी। मतलब काफ़ी पीछे से स्टार्ट हो चुकी है, हाँ मतलब थर्ड मेन पॉइंट पे आए हैं यहाँ पे, और क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था तो थोड़ा और मेहनत करके आगे आके, और ये कुछ व्यू है यहाँ पे, लोग खाना खा रहे हैं। राइडिंग करो मैडम जी याक पे। हाँ जी याक पे चलो, याक पे राइडिंग जी। आप कराते हैं जी। ओके लड़कियों के लिए फ्री में है क्या? फ्री में नहीं सर। और नहीं मैं मुझे बुलाए स्पेशली तो मेरे लिए फ्री में हो तो बिल्कुल कराइए। थोड़ा और महंगा लड़कियों के लिए महंगा? हाँ। नहीं ये तो गलत चीज है, देखो लड़कियों के लिए सस्ता होना चाहिए। थैंक यू, देखते हैं करते हैं तो जरूर। हाँ जी तो क्या बात है, मतलब बस थैंक यू जी, खाइए। बॉस अभी बेटर देन बोलने के आपको कुछ ड्रोन शॉट्स देते हैं, हैव अ लुक ऑफ ड्रोन शॉट्स। जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा यार, बहुत मेहनत लगती है। इट्स 4 o'clock इन द इवनिंग और भूख लग गया बहुत बढ़िया वाली, पेंगोंग देखने के चक्कर में खाना वाना सब बुला दिया था, बट अब वापस याद आई कि भूख लगी और खाना खाया ही नहीं है। तो अभी सीन ये है कि चलते वापसी में कहीं पे अपना लंच करते हैं। पहले का अपना प्लान था कि कहीं यहीं स्टे करने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने को नहीं जमा यहाँ का, तो अभी निकलते हैं। जो भी रहता है जहाँ भी जाते हैं आप लोगों को पता चलता रहेगा, बने रहें रिपोर्टर सोनिया के साथ, न्यूज चैनल सोनिया हुड्डा। हाँ जी क्या याक में बैठो मैडम आप? अच्छा अभी तक आप मेरे इंतजार में थे? अरे नहीं अभी अभी क्या प्लान है कि हमें निकलना है, एक्चुअली पहले यहाँ रुकने का था, अगर यहाँ रुकते तो मैं पक्का राइड करती, पर अब वापसी जाना बहुत लेट हो जाएगा। पर आप लोगों को पता है पहाड़ों का मतलब रात को चलना बड़ा डेंजरस हो जाता है, तो उस चक्कर में अभी निकलना पड़ेगा, पर नेक्स्ट ईयर आएंगे पक्का, और जो पक्का करके जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तंजिन फुनसोक। तंजिन फुनसोक। अरे वाह क्या नाम, बड़ा यूनिक नाम है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, नमस्ते।
भोजन पान करके हम निकल चुके हैं वहाँ से पेंगोंग से, और अभी मैं हूँ चांगला पास पे। काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। इवन पीछे हमने जब पूछा कि आगे कैसा क्या कुछ रास्ता है, जो लोग ले से जा रहे थे उन्होंने बोला कि काफ़ी डेंजरस है, प्रेफर करेंगे कि मत जाइए। बट नहीं बॉस, अपने को तो निकलना था। और ट्रस्ट मी, हाल में मुझे ऐसा लगता है कि इससे डेंजरस पास शायद ही कोई होगा नाउ अ डेज। इतना डेंजरस पीछे, मतलब जो शॉर्ट्स मैंने लिए ना वो देखोगे ना, मतलब मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं मतलब सदमे में जा रही हूँ कि यार हम वो चीज़ क्रॉस कर गए, इवन अभी क्रॉस करना और स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। वो ठंडी बेहद, मतलब गला सूखे जा रहा है बार बार। लाइफ का मतलब ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही मुझे कभी दोबारा होने वाला है। अभी बस ये कि यहाँ से जितना जल्दी निकल के उतरा जाए, तो बस चलते हैं अभी। ये सारा भी चांगला बाबा का स्थल, ये चांगला पास का अपना इधर बॉर्ड और इधर अपना आर्मी का, वो मैं कैमरे में नहीं लेना चाहती क्योंकि उनके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इट्स बेटर कि नहीं लिया जाए। सो लेट्स गो फास्ट। तो जी, टाइम हो चला है 10:30 का एंड हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। अभी चेक इन किया जस्ट अभी आके, सारा सामान भी अनपैक नहीं हुआ है। और आज हुआ क्या अपने साथ, जो पास था, मतलब मैंने आज तक इतनी डेंजरस कोई जगह नहीं देखी जो मैंने आज वो चीज़ एक्सपीरियंस की। उस टाइम तो बस ये चीज़ लग रहा था कि सिर्फ जैसे तैसे करके भगवान जी प्लीज़ नीचे उतार दो, दोबारा इस रूट से कभी नहीं आना, दोबारा इस रूट से कभी ज़िंदगी में नहीं आना। बट जब वहाँ से उतर के अब लेह पहुँच गया, मैं लेह में हूँ जहाँ मेरा लास्ट टू लास्ट स्टे था, वहीं पे उसी होटल में, क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छा था, तो वहीं फाइनली मैं पहुँची हूँ। और यहाँ आने के बाद उस चीज़ को मैं फील करी, और वाह, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने स्नोफॉल होते हुए देखा, वो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट साइड बाय बहुत एडवेंचरस भी था। वेल, टोटल बोला जाए तो आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव और बहुत हिलेरियस वन भी था। तो बहुत मेहनत लगी इस ब्लॉग में, अगर पसंद आता है तो ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। बेल आइकन ज़रूरी दबाना इसलिए है बिकॉज अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो क्यों किया, मेरी वीडियोज़ देखने को। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते, मेरा नई वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही नहीं कि नया वीडियो आ चुका है, तो उसके लिए ज़रूरी है पहले बेल आइकन भी दबाएं। सो आज के ब्लॉग के लिए रखते हैं इतना ही। एट द एंड हमेशा की तरह मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।